ये सॉक्स पैरों में देख के तो तुम समझ ही होगी कि तुम लोगों की बहुत सारी ऐसी डिमांड थी कि सॉक्स फेटिश क्या होती है। ठीक है, तमीज से बैठ, बैठा है ना साइड में, बंदा पट्टा कस गया ना तो परेशानी हो जाएगी। तो वैसे बहुत लोग पूछते थे सॉक्स फेटिश क्या होती है, सॉक्स के बारे में बताओ, सॉक्स पहन के आओ, वीडियो में सॉक्स रिमूव करो। तो आज तो सॉक्स पहने हैं मैंने, अब सॉक्स के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोगों को फीट पसंद होते हैं, बहुत सारे लोगों को बूट लिकिंग पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को सैंडल्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों की फेटिश होती है सॉक्स फेटिश। तो सॉक्स फेटिश क्या होती है, सबसे पहले क्या है, देखो मैंने अपने सॉक्स में, अगर मैं कहूँ मैंने अपने सॉक्स में क्या कर रखा है, एक ये बिस्किट है, मैं अपने सॉक्स के अंदर रख रही हूँ। ठीक है, अब ये बिस्किट मेरे सॉक्स में रहा काफी समय तक, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन। अब छह दिन बाद जो मैं इस बिस्किट को निकालूंगी, छह दिन बाद मैंने इस बिस्किट को निकाला तो क्या हुआ, इसका ये गंदा सा सीला सादा बिस्किट हो गया। अब इसमें और इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा ये स्वेटी है, इसमें स्मेल आ रहा है सीने का। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये कुत्ते को बहुत पसंद होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो सॉक्स की स्मेल आ रही होती है। तो मैंने क्या करा, उसको दिया, लो चलो खाओ, तो भी लोगों के लिए है, लो। ठीक है, डाल दिया, ये इसमें डाल के रखा। अब क्या होता है सॉक्स में, जब हमने अपनी ये सैंडल उतारी, हम जिम से आए, बाजार से आए, तो इसमें जो पसीने की स्मेल आ रही होती है ना, जो हमारा डॉग है उसको क्या करेगा, लो स्मेल, स्मेल करो, लो करो, तो वो क्या करता है, सॉक्स को अच्छी तरह से स्मेल करेगा प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर उसने स्मेल की है सॉक्स को। अब उसके बाद क्या करेगा, वो सॉक्स रिमूव करेगा, ऐसे जो आपका डॉग है उसने आपके सॉक्स ऐसे रिमूव करे। और उसके बाद क्या करा, मैं दूसरा सॉक्स भी रिमूव करके बताती हूँ कि कुत्ते को कैसे पसंद होता है, आपकी ये सॉक्स पैकेज होती क्या है। ठीक है, उसने ये दोनों सॉक्स आपके रिमूव किए, अब वो क्या करेगा, इन दोनों सॉक्स को हम कुत्ते के मुंह में दे देंगे। सबसे पहले तो उसे स्मेल करवाएंगे, लो स्मेल अच्छी आ रही है ना, तो उसे बहुत पसंद आएगी। हाँ क्यों, क्योंकि पसीना है ना, उसको पसंद है, उसके लिए क्या है, ये एक परफ्यूम जैसी स्मेल है। तो उसने क्या करा, इसे स्मेल किया और इसे क्लीन करने का काम किसका है, फिर कुत्ते का। वो क्या करेगा, इसे अपने मुंह में रखेगा, मुंह में डाल दिया कुत्ते के, अब वो क्या करेगा, इसको पूरा क्लीन करेगा, जैसे हम किसी कपड़े को निचोड़ते हैं ना अच्छे से, वैसे उसे इसे मुंह में रख के इसका पूरा जो पसीना आता है रुका, वो क्या करेगा, उसे वॉश कर देगा अच्छे से, पसीना अंदर क्लोथ, ये वॉशिंग खुद भी हो जाएगा, वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉक्स वॉश करने के लिए कुत्ते का जो मुंह होता है वो वॉशिंग मशीन का काम करता है, समझ गए तुम। कुत्ते को सॉक्स बहुत पसंद होते हैं, स्मेल करना उन्हें पसंद होता है सॉक्स को, और जब उनके सामने सॉक्स होता है ना, उन्हें कोई और चीज नहीं दिखाई देती, जिन्हें सॉक्स की फेटिश होती है उन्हें सॉक्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जब उसमें से पसीने की स्मेल आती है। अब दो घंटे वर्कआउट करो और उसके बाद सॉक्स पहन के दो घंटे वर्कआउट करो और उसके बाद जो पसीने के सॉक्स हैं वो आप कुत्ते को दे दो, देखना जब घर पहुंचते तो कुत्ता सबसे पहले क्या करता है, पैरों पे आता है ना, क्योंकि उसे स्मेल आ गई होती है आपके आने की। तो वैसे ह्यूमन डॉग है, ये सॉक्स फैंटेसी होती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। सपोज मैं इन सॉक्स पे क्या करती हूँ, स्पिट करती हूँ, थू, फिर मैंने कुछ उसको दिए, वो तो उसके लिए सोने पे सुहागा है, वो उसे बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह स्पिट भी है साथ में, सॉक्स भी है, पेटी भी है, ये वाह बहुत अच्छा लगेगा। तो सॉक्स फेटिश के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जानना चाहती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कॉमेंट करना कि जानना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।